से देखिए, कुछ बीजेपी के बागी तो कुछ कांग्रेस के बागी, लेकिन ये बागी किंग मेकर भी साबित हो सकते हैं अगर इन्हें इनकी सीट पर जीत हासिल होती है। क्या लगता है लगभग कितनी सीटें जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, करीब करीब 2 दर्जन सीटों पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां जो बागी है या बसपा सपा चुनाव मैदान में है, लेकिन 2 दर्जन में से 12 से 15 सीटें ऐसी है जहां स्थितियां बिगड़ेंगी, यानी खेल बनाना बिगाड़ना जिसे वोट कटवा कहा जाता है वो दिखाई देगा। और 4 से 5 सीटें ऐसी होंगी जहां पर या तो निर्दलीय जीत सकते हैं या बसपा सपा जीत कर आएगी, यानी पहले के मुकाबले 2023 में ये संख्या बढ़ेगी जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं जावत की, बात कर लेते हैं जहां से ओम प्रकाश सकलेचा भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है, समुंदर पटेल बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर, लेकिन धाकड़ वहां से खड़े हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बागी है, तो वो खेल बिगाड़ेंगे ही। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती। होशंगाबाद यानी नमदापुर की तरफ जाते हैं तो भगवती कुर्मी जो कहा जाता है वो मैदान में आ गए हैं, भगवती चौरे, और उनके आ जाने से दोनों भाई वहां चुनाव लड़े, गिरजा शंकर सीतासरण, एक कांग्रेस से थे एक भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन वहां ऐसा दो भाइयों के आ जाने से जनता का जो मन, जैसा कहा जा रहा है, निर्दलीय को बड़ा सपोर्ट मिल गया। अब वो जीते या ना जीते पर खेल बिगाड़ देंगे। तो जिस तरह की खबरें आ रही, यदि हम बुंदेलखंड की तरफ भी जाते हैं तो टीकमगढ़ में वही स्थितियां हैं, टीकमगढ़ में के श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के वो मैदान में आ गए, और कुछ सीटें कांग्रेस की है जैसे देवरी की बात करें या हम सुमावली की बात करें। लेकिन कई बार हमने ये देखा है और अमित शाह को मंच से कहते हुए भी हमने सुना कि सपा और बसपा को आप सपोर्ट करिए, मदद कीजिए। तो सपा बसपा जहां खड़े होते हैं, अखिलेश यादव की हमने जब सभाएं देखी तो उन्होंने सीधा कांग्रेस को लेकर कहा कि धोखेबाज पार्टी है, तो उसका असर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और बसपा को जहां सपोर्ट मिलेगा उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 दर्जन के लगभग जो सीटें हैं, लेकिन 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर सपा बसपा अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, और हो सकता है जिस तरह की तकरार दिखाई दे रही है, जब सरकार बनने का मौका है तो एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर ये उभरे। बिल्कुल, अब ये देखना होगा, 3 दिसंबर का इंतजार है मनोज जी, उन प्रत्याशियों को और हमें भी, कि आखिर ये बागी किसका समीकरण बिगाड़ेंगे और क्या ये सरकार बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।